मित्रों जय हिंद। मित्रों मनीष कश्यप को बेवजह परेशान किया जा रहा है और कैसे परेशान किया जा रहा है आइए आप लोगों को हम लोग बताते हैं। देखिए आज बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी, ठीक। उनको तो इसीलिए उनको 5 दिन पहले ही मदुरई से लेकर चला लोग, वहां से पहले चेन्नई लेकर गया लोग, और चेन्नई से क्या किया लोग के चला गया दिल्ली लेकर के, और दिल्ली से फिर पटना लाया, पटना से फिर बेतिया। अब बताइए इससे बढ़िया वही अरब सागर में सिप पे बैठाते बढ़िया से चाइना रशिया मंगोलिया होते हुए ले जाते बंगाल की खाड़ी में, और वहां से एकदम काफिला बाई रोड ले जाते बिहार में। हाँ बिहार के बॉर्डर पे लाते, उनको पैदल लेके आते। अरे जब इतने घुमाने का शौक था तो दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर चले जाते, उनके पिताजी से मिलवा के लाते। आप लोग महाराज जी को पत्रकार कहते ना, आप लोग तंग करते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है भाई कि जब वो आ भी गए बेतिया कोर्ट में पेश भी हो गए आज, वो पेश होने के बाद माननीय जज साहब ने फैसला दिया कि मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट मतलब बेतिया जेल में ही न्यायिक हिरासत में वो भेज दिया रखा जाए 14 दिन के लिए। अब क्या हुआ कि जब वो बेतिया कोर्ट जेल में भेजे हैं तो पुलिस पता नहीं किसके दबाव में किसके प्रेशर में आके किसके माने किस मालिक को पूजने के लिए दबाव में का बिहार पुलिस और तमिलनाडु बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार का जो नेता है वो लोग करवा रहा है लेकर के पटना चली आई उनको, पटना बेउर जेल। और बेउर जेल में जब लेके आई तो बेउर जेल ने अपने यहाँ रखने से साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं देखिए ये जो कोर्ट का आदेश है कि मतलब मनीष कश्यप को बेतिया जेल में रखना है, बेतिया जेल में रखना है और आप लोग बेतिया लेके जाइए। उसके बाद क्या हुआ कि मनीष कश्यप को 3-4 घंटा बेउर जेल के गेट पे खड़ा कर दिया गया। बताइए कि मनीष कश्यप जो बिहार के लाखों गरीबों लाखों मजदूरों की आवाज है, आज एक बिहार का चर्चित चेहरा है, उसको ऐसे आप परेशान कर रहे हैं, इधर से उधर ले जाएंगे लाएंगे, तो उसके साथ अगर कुछ भी होता है तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा बताइए, उसके साथ मतलब क्या किया जा रहा है भैया। तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा जब कोर्ट सिर्फ जज साहब ने कहा कि इनको बेतिया में रखा जाए तो मूर्खों की तरह उनको पटना लेकर क्यों आए लोग। सबसे बड़ा किसके दबाव में, इसका भी हिसाब से है ना भाई कि ये लोग जज को ठेंगा दिखा दिए, जज से कोई मतलब ही नहीं है ना, जज कोर्ट को तो लोग ठेंगा दिखा दिए, खुद ही जज बन रहा है भैया। हम को तमा कराने की लोग साजिश करके अब फिर मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाना चाहता है, तो ये साजिश बिहार के लोग अब सफल नहीं होने देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष कश्यप पे जितने भी तमिलनाडु में केस है सब में उनको बेल हो चुका है, सिर्फ एक एनएसए है, तो एनएसए में जो भी मतलब देशद्रोह का केस लगाया हुआ है झूठा, उसमें भाई नियम है कि वो भारत के किसी भी सेंट्रल जेल में रहकर कैद में रह सकते हैं और उसको आप केस लड़िए, वो केस लड़ेंगे, आप यहाँ रखिए चाहे कहीं भी रखिए। जो उसके बाद भी जब कोर्ट ने कह दिया कि इनको बेतिया जेल में रखना है, फिर भाई आप पटना क्यों लाए, क्यों उनको 3-4 घंटा बाहर खड़ा किए, अगर उनके साथ कुछ भी होगा तो कौन जिम्मेवार होगा बताइए। बिहार के भविष्य है, मार बिहार का एक चेहरा है और आप अनजान पहले तो बेतिया से बताइए बाई रोड उनको पटना लेकर आया तू अली भाई, खाली ले गया लोग, खाली आया लोग। अभी 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 खबर अभी हम उन लोगों के परिवार से बात हो रहा है, मनीष भैया के भाई से सबसे बातचीत हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, खबर मिल रहा है, उनकी मम्मी परेशान है, उनके भाई परेशान है, उनका पूरा परिवार रो रहा है, परेशान है कि मेरे बेटे को मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है, कहां तक न्याय है, ये मतलब क्या किया जा रहा है, रोज ही लोग रोता है लोग, मतलब यहाँ जो बिहार सरकार है, छोड़िए ना बिहार सरकार, जो ये एक इंडिया गठबंधन बना है लोग, ये लोग रोज रोता है कि मोदी जी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, मोदी जी लोकतंत्र संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं हुजूर, कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके आप लोग संविधान बचा रहे हैं, और आपके चमचे आपके बेलचे कहते हैं कि भाजपा ये करती है भाजपा वो करती है, अरे आप लोग कैसे सही है, कैसे अलग है कि आप उससे मतलब आप कंपेयर करने जाते हैं, आप कैसे दूसरों को आते हैं, लोग कानून का दुरुपयोग कर रहा है, कानून कुछ मन पे नहीं करता, आप लोग कौन सा मान रहे हैं महाराज, आप लोग कौन जी लोकतंत्र का पुजारी है। अच्छा पुलिस हो या कोई भी हो उसको किसका बात मानना चाहिए, कोर्ट का बात मानना चाहिए, और कोर्ट ने जब कहा है कि बेतिया जेल में रखना है तो क्यों ले जाया गया बेउर जेल, सबसे बड़ा सवाल। और इसके बाद भी भाई अभी हमको तो जो लग रहा है ना कि जो ये 2024-25 का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के तहत मनीष कश्यप को ये लोग चाह रहे हैं ना कि कैसे भी फंसा करके उलझा करके मतलब चाह रहा है कि मनीष कश्यप का जो नाम है ना उसको बंद कर दीजिए, उतार जाए बिहार से, और मनीष कश्यप को जाति में हिंसा करवा के मतलब जाति में बात करके इनको जात पात में छोड़ दीजिए। अभी लोग भाई देखो जो बिहार सरकार है ना एकदम खुले तौर पे बिहार सरकार युवाओं से एकदम डरती है, डरपोक सरकार है, बहुत डर रही है, और उसको बिहार को उजागर करिए कि पूरा बिहार का जितना भी युवा है वो मनीष कश्यप के साथ है, जितना भी युवा है वो इस सरकार का मतलब भंडाफोड़ जान
जान गया है, इसलिए इन लोगों को मतलब डर हो गया है, और डर हो गया है तो अपना ये नौटंकी कर रहे हैं लोग इधर से उधर। अभी खबर आ रही है कि उनको बेउर जेल में 3-4 घंटा रखने के बाद अभी शिफ्ट कर दिया गया है, बेउर जेल में है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो भाई सीधे सीधे बिहार सरकार, बिहार पुलिस जिम्मेवार होती है। बताइए उनकी माँ जेल के बाहर भी रो रही थी लोग कि उनके बेटे के साथ अभी भी जाए, अभी बात हो रहा था, अभी भी रो रही है कि मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है। कानून मान लीजिए, जब कानून जो कहता है उसको करना चाहिए। अगर बताइए कि अगर बेउर जेल एक्सेप्ट नहीं करता, अगर मना कर देता कि हम इनको नहीं रखेंगे अपने जेल में, अभी लोग क्या करता कि बेतिया फिर बाई रोड लेके जाता होता है दूर अंधेरे में ना। कह दिया था कि बेतिया लेके जाइए, कह दिया था जेल, जेल प्रशासन बोला था कि लेके जाइए। हमको नहीं लग रहा है, देखिए प्रशासन हो पुलिस हो, हर आदमी में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, किसी के सरकार हो या जिसके भी दबाव में काम कर रहे हैं। हमको तो भीतर की बात नहीं पता है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो हो रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि मनीष कश्यप से बहुत डर हो गया है, और मनीष कश्यप को फिर से तमिलनाडु ले जाने की साजिश रची जा रही है, जो बिल्कुल ही एकदम बहुत मतलब गलत है। और बिहार के सभी जनता से हम लोग अनुरोध करेंगे, यही हम लोग कहेंगे कि आप लोग आवाज उठाइए कि मनीष कश्यप को परेशान न किया जाए, कोर्ट कानून के तहत आप लोग चलिए। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी, लेकिन आप लोग परेशान करिएगा, बेवजह फंसाइएगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं, आप लोग आवाज उठाइए। और आपके आवाज उठाने से अगर बेतिया कोर्ट ने कहा है कि इनको बिहार में रखा जाए तो ये लोग तमिलनाडु लेकर ना जाए। हाँ, कहा गया तो तमिलनाडु में एकदम कोई चांस ही नहीं बनता है, सिर्फ एनएसए है, बाकी सारे केस में भाई बेल हो गए, 6 केस था 6 में बेल है। तो आप एनएसए में यहाँ रख के आप लड़िए ना केस, चलाइए जो भी करना है। वही बताइए, ये लोग का राज्य में सरकार है तो ये लोग बिहार का बेटा को तमिलनाडु भेज दे रहे हैं। हाँ। जो पूरा भारत में हो जाएगा तो हमको लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फेंक दे, ब्राजील में भेजेगा सीधा। या तो लोग कहलो कि ना भारत में जेल में नहीं रहेंगे, ब्राजील इनसे खतरा है। अरे माने वो आतंकवादी है, गोली मार रहे हैं किसी, ये लोग इतना परेशान करने पे तुला है कि ये लोग जानता है कि 14 दिन के बाद मान लीजिए फिर पेशी है। हाँ। तो फिर जैसे ये 5 दिन परेशान करके लोग चेन्नई दिल्ली घुमाते हुए लाया, तो फिर यहाँ से दिल्ली चेन्नई या बेंगलोर घुमाते ले जाए। 5 दिन, 5 को तो डेट फेल करके लाया है लोग पहले, और 5 दिन से ट्रेन में कभी पहले चेन्नई से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, चेन्नई से डायरेक्ट ट्रेन से आ जाते हैं, फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट नहीं, परेशान करना है। इधर से तो बड़ी तेजी में ले गए थे फ्लाइट से, लेकिन उधर से ट्रेन से परेशान करते हुए अच्छा हो ट्रेन बदलते हुए। तो सरकार हुजूर आप मालिक हैं, आपके पास पावर है, आपके पास कानून है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गरीब कमजोर को दबाइएगा। मान लीजिए हम लोग कमजोर है तो हम लोग का गर्दन पे रोलर चलाइए, आप यही ना कर रहे हैं। आप ये मत भूले कि यही गरीब है, यही जो मजदूर है आपको सरकार में बैठाते हैं तो नीचे उतारना भी जानते हैं। और मनीष कश्यप को प्यार करने वाला हर आदमी को इस बात का बहुत दुख पहुंचा है कि आप मनीष कश्यप को परेशान कर रहे हैं, और मनीष कश्यप के भाई जितने भी प्यार करने वाले, हम लोग भी उनको प्यार करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। हम लोगों की बहुत आज दुख पहुंचा है कि मनीष भैया को परेशान किया जा रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको एकदम आप लोग सरकार से अनुरोध है कि आप लोग ऐसा न करिए सर, वरना आप लोगों को बस चुनाव बहुत नजदीक है, आप देख लेंगे नुकसान आपका ही है। क्योंकि आपने आज का ट्रेलर देखा ना कि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना बताए जब मनीष कश्यप को बिहार लाया गया तो किस तरह की जन सैलाब उमड़ चुकी थी पटना से लेकर बेतिया तक। वो फिल्म बिहार के हुआ मनीष कश्यप के साथ है, तो आप लोग छेड़ने की सुनिए ना, युवे ना जातिवाद के नाम पर जिन लोगों को ये लोग लूटते हैं, भूत मारवाते हैं, वो लोग भी मनीष कश्यप के साथ हैं। तो मित्रों जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने फेसबुक पे आवाज उठाइए, आप अपने सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए और बोलिए कि मनीष कश्यप के साथ ये जाति बंद हो, और मनीष कश्यप को परेशान न किया जाए, और बेवजह झूठ मूठ के फिर साजिश के तहत उनको तमिलनाडु न ले जाए। आप यहाँ रखिए, किसी भी कोर्ट जेल में रखिए, डिस्ट्रिक्ट जेल में रखिए, या सेंट्रल जेल में रखिए, नियम भी एक सेंट्रल जेल में आप रख सकते हैं, बिहार में रखिए, किसी भी, हाँ तो रखिए और आप लड़िए। वहां भी वैसे सभी सारे केसों में बेल हो गया है, क्योंकि वहां परेशान करे सारी सरसन है। आपको कहा गया कि बेतिया जेल में रखना है तो आप पटना लेके आ गया, पटना से लेके निकलने के फिराक में सारी सरच रहे, तो ये बिल्कुल बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और बिहार के लोग जहां से भी है अपना आवाज उठाए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सबसे अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में अपनी आवाज को बुलंद करिए, मनीष कश्यप को झुकने मत दीजिए और दबने मत दीजिए, वरना आप लोग हमेशा के लिए आप लोगों की आवाज दब जाएगी। क्योंकि यही मनीष कश्यप की आपके लिए अगर कोई एजुकेशन को लेकर के समस्या होती थी तो निधड़क कहीं भी जाता था, कहीं भी आवाज उठाता था, जहां नहीं घुसना है वहां तक घुस के अपने अपने रिस्क पे लड़ जाता था। लेकिन उस मनीष कश्यप को परेशान किया जा रहा है, और आप सभी लोगों से, सभी मित्रों से यही हम लोगों का अनुरोध है कि आप लोग आवाज उठाइए, वरना आप लोग फिर दोबारा आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा और आप लोग बहुत अफसोस करेंगे। मनीष का देखिए, जिस तरह से मनीष कश्यप हमारे लिए जरूरी है तो मनीष कश्यप के लिए हम लोग जरूरी है। जब हम लोग उनके लिए आवाज उठाएंगे तभी सरकार के ऊपर दबाव बनेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल। और जो जो विरोध करते हैं भाई उनको भी बहुत प्यार है, जो सपोर्ट करते हैं उनको भाई है एकदम, उन लोगों के ही शक्ति से सब चल रहा है। तो भाई जो गाली लिखे या जो उल्टा पुल्टा लिखे उसको भी जवाब मत दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों में फंसना ही नहीं है। आप लोग सीधा एकदम सवाल उठाइए सरकार से और पूछिए कि ऐसा मनीष कश्यप के साथ क्यों किया जा रहा है, जब कोर्ट ने कहा था कि बेतिया रखना है तो आप पटना क्यों लाए, और लाए भी तो 2-3 घंटा बाहर आप रखे, मान लीजिए उनके साथ कुछ भी होता तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। बाकी आप लोग समझते ही है, अपना आवाज उठाते रहिए मजबूती से और शांतिपूर्ण तरीके से, बाकी जो भी होगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।